नमस्कार दोस्तों, तो सैमसंग के गैलेक्सी ए सीरीज के अंदर 4 स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा लॉन्च होने वाला है। उसमें से 2 स्मार्टफोन 2 दिन बाद आने वाला है, मेरे ख्याल से 16 तारीख को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है, और 2 और स्मार्टफोन उसके नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। अब देखिए, पहले सोचा था कि 4 स्मार्टफोन के लिए 4 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, मतलब ज्यादा व्यू आएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग का समय क्यों बर्बाद करें, एक ही वीडियो बनाते हैं। वीडियो का साइज हो सकता है कि 10 मिनट तक हो जाएगा, लेकिन आपको एक सिंगल वीडियो पे ये 4 स्मार्टफोन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो गैलेक्सी डिफरेंस क्या क्या होगा, तो जैसे कि हम इस पहले ग्राफ में देख सकते हैं, तो अगर हम इसके डिजाइन के बारे में बात करें, ये जो 4 स्मार्टफोन आने वाला है, 4 का डिजाइन होगा एग्जैक्टली सेम, लेकिन जो गैलेक्सी A73 और A53 इस दोनों स्मार्टफोन में आपको डॉट नॉच मिलेगा, जो गैलेक्सी A33 उसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, लेकिन जो A23 उसमें आपको वो वी शेप नॉच आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात करें, जो A23 मतलब जो बजट वाला स्मार्टफोन, उसमें आपको मिलेगा 6.4 इंच 90Hz फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 89% के आसपास। इसके बाद गैलेक्सी A33 की अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा 6.4 इंच 90Hz फुल HD प्लस, लेकिन पहले जो डिस्प्ले आपको मिल रहा था IPS LCD, अभी आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। उसके साथ आपको मिलेगा गोइला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और इसका मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 91%। इसके बाद अगर A53 के बारे में बात करें, इसमें आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, जो कि 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसका जो रिफ्रेश रेट वो भी पिछले वाले एडिशन से स्लाइटली इंक्रीज होगा, जो कि अभी 120Hz का, और इसमें भी आपको गोइला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और 91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। और जो गैलेक्सी A73 उसमें A53 के मुकाबले स्लाइटली बिगर डिस्प्ले, मतलब 6.7 इंच फुल HD प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 91% के आसपास, और इसमें भी आपको गोइला ग्लास 5 का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो मतलब A33, A53 और A73 इस तीनों स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड मिलेगा, बाकी स्मार्टफोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके CPU के बारे में। तो गैलेक्सी A23 इसमें आपको मिलेगा Dimensity 700 प्रोसेसर, मतलब एकदम बजट रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है। जो गैलेक्सी A33 और A53 काजर के दोनों भी आपको बिल्कुल नया Exynos 1280 वाला प्रोसेसर मिलेगा। अभी मैं इधर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मेरे सोर्स की तरफ से ऐसा मालूम चला है कि इस प्रोसेसर का नाम हो सकता है कि Exynos 1280 है, लेकिन एक्चुअली इसका जो परफॉर्मेंस वो जो पिछले वाले जनरेशन का Exynos 1080 एग्जैक्टली उसके जैसा ही होगा, मतलब परफॉर्मेंस में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो गैलेक्सी A73 काजर की, इसमें आपको Snapdragon 770G वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें, जो A23 उसमें आपको मिलेगा 58 2x2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जो A33 उसमें आपको मिलेगा 48 5x2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जो A53 उसमें आपको मिलेगा 64 12 5x5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और जो A73 उसमें आपको मिलेगा 108 12 8 और 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मतलब ये जो गैलेक्सी A73 ये एक्चुअली सैमसंग का पहला ए सीरीज के अंदर स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 के बैटरी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इधर 4 स्मार्टफोन में आपको 5000mAh बैटरी मिलेगा, जो A33, A53 और A73 तीनों पे आपको 25W का चार्जर मिलेगा, जो A23 उसमें आपको 18W का चार्जर मिलेगा। और इधर एक्चुअली आपके लिए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है कि जो A23 और A33 इसमें तो आपको जो चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, लेकिन जो A53 और A73 काजर की, इसमें आपको चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब चार्जर इसके अंदर नहीं मिलेगा, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ इसके चार्जर के लिए, और इसका रीजन क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएंट के बारे में। तो A23 स्मार्टफोन आपको मिलेगा 2 वेरिएंट पे, 4 120GB और 6 120GB। जो A33 वो सिर्फ एक ही वेरिएंट पे मिलेगा, जो कि 6 120GB। जो A53 वो आपको मिलेगा 3 वेरिएंट पे,
6 120GB, 8 120GB और 8 256GB, और जो A73 वो आपको मिलेगा दो वेरिएंट पे, 6 120GB और 8 120GB। और ये सभी स्मार्टफोन में आपको मिलेगा LPDDR4X क्वालिटी का रैम, और ये सभी में आपको मिलेगा UFS क्वालिटी का स्टोरेज। अभी इसमें से कौन से स्मार्टफोन में आपको UFS 2.1 मिलेगा और कौन से आपको UFS 2.2 मिलेगा, इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। और फाइनली हम बात करेंगे स्पीकर या सिक्योरिटी के बारे में। तो जो A33 उसमें आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर, जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और NFC का ऑप्शन मिलेगा। और इसके अलावा बाकी जो भी स्मार्टफोन है, मतलब जो बाकी तीन स्मार्टफोन, उसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और NFC का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली अगर दिनों के प्राइस के बारे में बात करें, कहा जा रही कि जो गैलेक्सी A33 ये आपको मिलेगा 25,000 rupees के आसपास, जो A53 वो आपको मिलेगा 35,000 rupees के आसपास, जो A73 वो आपको मिलेगा 45,000 rupees के आसपास, और जो गैलेक्सी A23 वो आपको मिलेगा 15,000 rupees के आसपास। तो यही एक्चुअली था गैलेक्सी A23, A33, A53 और A73 के बारे में अभी तक का टोटल कॉन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन और इसका स्पेक्स और इसका प्राइस। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये चारों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेशियो आपको सबसे बढ़िया लगा, मतलब कौन सा स्मार्टफोन आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगा, उसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।